जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत करती हूं। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पर मिलते हैं, लेके दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। आज मैं एक ऐसी युवा से मिलाने जा रही हूं जो तेघरा अनुमंडल के विभिन्न गांव में युवाओं और बच्चों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में शिक्षा के माध्यम को चुना। फिर से अपने गांव को हम स्वर्ग बनाएंगे, जन जन के अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। आइए हम मिलते हैं सत्यजीत सोनू जी से। नमस्कार सत्यजीत सोनू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। आप अपना कीमती वक्त हमें दे। सत्यजीत सोनू जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे। सबसे पहले तो मैं इस केवी स्टूडियो की पूरी टीम और ख़ास करके डॉक्टर रोशन सर को मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा कि इस केवी स्टूडियो में आमंत्रित किया और अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में जो जन जन तक उन्होंने एक मुहिम बनाई है पहुंचाने का सकारात्मक पॉजिटिव विचारों को, उसके लिए मैं थैंक यू। और मेरा नाम, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आप पता है, सत्यजीत मेरा नाम है और लोग मुझे प्यार से सोनू कह करके बुलाते हैं। मेरा घर दुलारपुर तेघरा पड़ता है। जन्म मेरा बेगूसराय सदर अस्पताल में हुआ था। मेरे नाना बागवारा हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, तो उन्हीं के यहाँ मेरा पालन पोषण प्रारंभिक हुआ। उसके बाद से जब मैं दूसरी कक्षा में गया तो पहली बार अपने गांव में मेरा पदार्पण हुआ था। और 92 में मैं दुलारपुर मठ स्कूल है, मिडिल स्कूल, वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। गाँव के माहौल में मैं पला बढ़ा। पुनः मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए नाना और बाबा में एक प्यार दुलार का बात चलते रहा कि ये कैसे अच्छा से और पढ़ाई कर सके। तो यहीं बगल का बीपी इंटर हाई स्कूल जो है वहाँ पर मेरा, वहीं से मैंने 10th की परीक्षा पास की। पुनः पिताजी प्राइवेट शिक्षण में हैं, पिताजी श्री मनोज कुमार जी, वह प्रधानाध्यापक के रूप में सिवान में उस समय पोस्टेड थे। तो राजा सिंह कॉलेज सिवान से मैंने इंटर किया। पुनः BBA और MBA करके मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा को बढ़ाया। जी सोनू जी, आपने जो भी कार्य किए हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने कार्य नहीं किया, एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स है कि कनेक्ट द डॉट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश फॉर एवर। तो जब मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ख़त्म कर ली तो फिर आया कि क्या करना है। अब पढ़ाई तो ख़त्म हो गई, जो कहा जाता है कि एक बच्चों को लगता है कि सबसे भारी काम है पढ़ाई करना, लेकिन मुझे, मेरे लिए तो आसान काम रहा चूँकि घर ही में सब शिक्षक थे। माताजी भी हिंदी की शिक्षिका है, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्कूल में शिक्षिका है, पिताजी शिक्षक हैं, नाना शिक्षक थे, बाबा शिक्षक थे। तो एक तरह से शिक्षकों के परिवार में कैसे मैं पढ़ते पढ़ते अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर ली पता ही नहीं चला। पुनः जब नौकरी का बात आया तो वही जो कनेक्ट डॉट्स को था जोड़ना, तो मेरे एक बहनोई दिल्ली में जॉब करते थे, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप दिल्ली में आएँ और मेरी जो कंपनी है उस कंपनी में आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करके अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंच करके ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक नाम की कंपनी है, वहां से मैंने अपने प्रथम नौकरी को एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने शुरू किया। और वहां पर वर्क कल्चर, जो मैं एक गांव का लड़का था, जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ मेरा गांव में ही हुआ, लेकिन जब मैं दिल्ली जैसे मेट्रोपोलिटन शहर में पहुँचा तो मेरे लिए एक लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। किसी तरह से एक साल तक मैं काम करता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन इसी बीच में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे मैं तो कुछ अच्छे हालात में पहुंचा था, MBA करके पहुंचा था, लेकिन बहुत सारे बिहार के या आसपास के गांव के ऐसे लोग वहां पहुंचे हुए थे जो कि मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई कर करके ही दिल्ली आ गए थे। कोई रिक्शा चलाते थे, कोई टेम्पो चलाते थे, कोई कहीं पर एक मजदूर बन करके काम करते थे, सारे प्रवासी मजदूर, सारे मजदूर बन के काम करते थे। और उनके जो बच्चे थे, संयोग से चूंकि ज्यादा लगाव था, जुड़ाव था, तो उन्होंने मुझे कभी अपने घर पर बुला लिया एक साल के बीच में। तो मैंने देखा उनके बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे, उनका तो स्थिति बिहार के बच्चों से बदतर दिल्ली में उनका उस समय दिख रहा था। तो संयोग से एक वहाँ पर एक और सेंटर ऑफ होप करके एक संस्था थी, वो संस्था बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाती थी, तो उनसे जुड़ करके मैंने सर्वप्रथम जो सामाजिक काम था मेरा जीवन का, उन बच्चों को रिटेल का ट्रेनिंग देना, चूंकि MBA में एक रिटेल मेरा विषय था, तो किस तरह से वह बच्चों को रिटेल में ट्रेंड करके उनको मार्केट में, रिटेल अगर आप हमें समझाएं कुछ हिंदी में तो रिटेल क्या होता है? रिटेल मतलब जिस तरह से आप देखते होंगे कि अभी बेगूसराय में भी कुछ मॉल्स आ गए
हैं, कुछ ऐसे दुकान आ गए हैं जहाँ पर एक दुकान के अंदर ही सारा सामान मिलता है और कस्टमर वहाँ पर जाते हैं, सामानों को देखते हैं और सामान पसंद कर करके लेकर के और अपने घर को आ जाते हैं। तो उसमें जो सेल्स स्टाफ होते थे वैसे स्टाफ का ट्रेनिंग करवाना और उनको जॉब भी लगवाना। जी, तो ये काम अभी सबसे बड़ा स्रोत मुझे लग रहा है कि जो मॉल्स में रिटेल, मतलब जो आपने बताया मॉल्स में जो लड़के होते हैं वो अभी सबसे बड़ा उभर के आया है। उभर करके आया। तो मैंने सबसे पहला सामाजिक काम, दिन भर में वही ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में काम करता था और शाम को 6 बजे के बाद जो वो बच्चे थे, खास करके बिहार, और भी कुछ बच्चे होते थे लेकिन अधिकांशतः 75% बच्चे बिहार के ही होते थे, उनको मैंने प्रशिक्षण देना शुरू किया और वहीं से मुझे एक सामाजिक काम करने का आदत और एक लत लगते गई धीरे धीरे। जब पारिवारिक शादी विवाह हो गया तो पारिवारिक स्थिति, उतना तनख्वाह नहीं मिल पाता था कि दिल्ली में मैं भी सस्टेन कर पाऊँ और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भी उसी के तरह रहें, क्योंकि अगर इनकम उतना नहीं हो पाएगा तो बच्चों को फैसिलिटी नहीं दे, मेट्रो में रहने का फैसिलिटी नहीं दे पा रहा था। तो एक उहापोह की स्थिति हुई और 1.5-2 साल के बाद मैं पुनः दिल्ली से वापस पटना आ गया और पटना में जब मैं आया तो फिर से काम करना होगा, क्योंकि आर्थिक उपार्जन जरूरी है और जब पढ़ाई किए हैं तो कुछ न कुछ अर्थ उपार्जन में लगना है। तो रिसर्च एंड कमीशन एग्जीक्यूटिव के रूप में GMP एक कंपनी थी, उसमें मैंने काम करना शुरू किया। पुनः क्योंकि आदत मैंने शब्द का उपयोग किया इसलिए किया कि मैंने पुनः जब जॉब कर करके घर आते थे तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने में एक समाज बैठा था कि समाज में मैं क्या करूँ कि जिससे कि एक मेरा भी सेटिस्फेक्शन पूरा हो कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तो पुनः वहीं पर आसपास में वाइफ भी ने साथ दिया और आसपास के जो बच्चे थे, कंकड़बाग खास करके जो मोहल्ला है वहीं पर मैं कांटी फैक्ट्री मोड़ के पास में रहता था, तो वहाँ पर उन बच्चों को एकत्र कर करके उनको संस्कार की बातें हों, चाहे वो किताब पढ़ाना हो, धीरे धीरे वो शुरू होता गया, परवान चढ़ता गया। जी और बहुत अच्छी सफलता भी मिली वहाँ पर, लगा कि बच्चे पढ़ करके, ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नवोदय में हुआ, नेटरहाट में हुआ, बच्चे सैनिक स्कूल तक वहाँ पर पहुँचे, तो लगा कि मैं बहुत कुछ अच्छे से कर पा रहा हूँ। कुछ ससुराल के बच्चे भी जब आते थे पटना पढ़ने के लिए, ससुराल के बच्चे भी जुड़ते गए और वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई हम लोगों का एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में मैंने उसको अपना स्वीकार कर लिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहूँगा। इसी समय एक विवेकानंद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम चला, सरस्वती समारोह जी। इस समारोह में बहुत सारे लोग मुझसे अप्रोच करने आए कि आप सामाजिक कामों में जुड़े हुए हैं, आप भी कुछ उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। उसमें 4-5 उन्होंने आयाम बताया, संवर्धनी, अस्मिता, प्रबुद्ध भारत, एक नाम उन्होंने बताया ग्रामायण। ये ग्रामायण नाम मेरे दिलो दिमाग में बस गया और उसी समय चूंकि स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर खुद थी तो मैं कुछ न कुछ पुस्तकें लेकर के पढ़ता रहता था और उसको सीखने का प्रयास करता था। तो मैंने 3 लाइन बनाया उसमें, पहला लाइन दिया कि मेरा गांव मेरा तीर्थ रामायण के अंदर, दूसरा दिया मेरा घर या मेरा विद्यालय मेरा मंदिर, और जो तीसरा उसमें शब्द था मेरा परिवार या मेरे गुरुदेव मेरे देवता। इस 3 लाइन को मैंने अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लिया कि मुझे अब इसी के इर्द गिर्द काम करना है और कुछ बेहतर करके दिखाना है। और पुनः जब पटना से गांव आना, जब दूरी कम हो गई तो गांव आना शुरू हो गया और मेरे ही गांव के एक मित्र जिनके साथ मैं द्वितीय वर्ग से लेकर के और अष्टम तक की पढ़ाई की थी, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ गांव में भी कीजिए, मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा। और हमारे गांव के तमाम युवा उस समय एकजुट हुए और गांव में प्रथम बार स्वाध्याय केंद्र की एक स्थापना किया गया। जी वैसे जैसे आपने बोला स्वाध्याय केंद्र, तो लाइब्रेरी तो होते ही हैं हमारे गांवों में, मतलब स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में, तो ये एक लाइब्रेरी ही टाइप का था। इसमें 2 चीज़ें को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लाइब्रेरी में आजकल क्या होता है कि बहुत सारे पुस्तकें रखी हुई है और उस पुस्तक में से बच्चों को जो चीज़ मन है चुन करके अपने घर लेकर के जाएंगे या वहीं बैठ के पढ़ेंगे फिर उसको जमा कर देंगे। जी। लेकिन स्वाध्याय केंद्र में क्या है कि मैंने खुद देखा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। जी ये सबसे बड़ा भी जी ये है। अगर हम भी अपने घर में बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडीज पढ़ाई करो, जैसे ही बोलते हैं वो तो या तो अपने स्कूल का होमवर्क बनाना शुरू कर देता है या तो उसको जो लिखना है वो लिख लेता है और लिख करके कॉपी किताब बंद करके आधे घंटे बाद वो टीवी मोबाइल कहीं ना कहीं चिपक जाता है। तो स्वाध्याय केंद्र मतलब ये हम लोगों ने कंसेप्ट डेवलप किया कि यहाँ पर कुछ बच्चों का हम लोग चयन करेंगे, एक क्षेत्र पहले तय करेंगे, उस क्षेत्र में बैठने का व्यवस्था सिर्फ होना चाहिए और उसके बाद से पुस्तकें हम लोग खुद चूज करके खरीदेंगे।
जैसे हमारे मित्र ने कुछ पुस्तकें खरीद करके अपने लेकर के आए वो, और वो बच्चों को एक टास्क के रूप में पुस्तक देंगे, उनको कॉपी और किताब के बीच में दूरी को कम करने के लिए पुस्तक देंगे, और वो अपनी स्कूल के अलावे पुस्तक को पढ़ करके, और वो उसको खुद से जब पढ़ेंगे, खुद से समझने का प्रयास करेंगे, कोई टीचर उनके बीच में नहीं होगा, तो उनको जागृति जगाने है। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा क्या है, तो एक कविता के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो है जो मुक्ति दे अंधकारों से, अज्ञानता निर्धनता हरे और सबको भरे भावों से। शिक्षा मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ज्ञान मेरे पास है, मैंने आपको ट्रांसफर आप तक कर दिया। शिक्षा मतलब है कि उनके अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति को जगा देना। तो स्वाध्याय केंद्र और पुस्तकालय में यह डिफरेंस हम लोगों ने तय करके रखा कि यहाँ पर पुस्तकों का भंडार नहीं होगा। पुस्तक सिर्फ होने से एक मोनोटोनस टाइप की प्रवृत्ति आ जाती है। पुस्तकें ऐसी रहेंगी कि जो बच्चे उसको लेकर के पढ़ेंगे और फिर उसको वहाँ पर वो रख देंगे। जी, कितने बच्चे हैं अभी उसमें? ये एक साल तक मैंने कंसेप्ट को चलाया था हमारे मित्र ने, अभी तो फिर मैंने लगभग 34 बच्चे उसमें जुड़े थे। तो सब गांव के बच्चे? सब गांव के बच्चे थे। कितनी उम्र के बच्चे सब हैं? सारे क्लास 4 से लेकर के और 8-9 तक के बच्चे उसमें पढ़ने के लिए आते थे। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी सामाजिक काम हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे बड़ी प्रवृत्ति जो हम लोग देखते हैं कि शिक्षा में क्या होता है कि एक प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया नहीं कि दूसरा प्रयोग शुरू कर देते हैं, तीसरा प्रयोग फिर शुरू कर देते हैं। वेट करना सफल होने के लिए वेट करना होता है कि हम लोग ने जो पहला प्रयोग हम लोगों ने किया वो प्रयोग कितना अच्छा समाज में असर उसका दिख रहा है। तो सबसे हम लोगों ने जब स्वाध्याय केंद्र शुरू किया तो एक साल तक चलाया, क्योंकि बार बार मैं इस बात को कहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि चूंकि जो समाज सेवी होते हैं वो 24 घंटा समाज सेवा करते रहते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि खुद भी कुछ कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे, दूसरे के पास मांगने के लिए जाएंगे? तो मैंने जो अपनी 7-8 वर्ष की जो अपनी सामाजिक जीवन में व्यतीत किया है, कहीं पर भी मांगने का आवश्यकता नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं काम भी करते रहा। हो सकता है 2 महीने में जॉब नहीं किया या 5 महीने में जॉब नहीं किया। शिक्षा देना क्या है कि कोई भी 1 घंटे के लिए भी अगर जो पढ़े लिखे हैं वो शिक्षा का तो दान दे ही सकते हैं। तो उसको एक साल तक मैंने चलाया, एक जगह पर एक साल तक बच्चे वहां पर आते थे शाम को पढ़ने के लिए, और एक साल के बाद उसको मैंने एक साल मां मना करके एक साल बेमिसाल नाम दिया गया और उसको फिर हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। अब हर घर स्वाध्याय केंद्र बनना चाहिए। पहले क्या है कि लोग मैंने एक कंसेप्ट लेकर के डेवलप किए हम लोग, कैसा आपको पढ़ना है, ऐसे आपको पढ़ने की प्रवृत्ति डालनी है। जब प्रवृत्ति उन बच्चों में मैंने डाल दिया तो फिर अब उनको वहाँ पर आने के लिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि अब अपने अपने घरों में आप पढ़ने का माहौल बनाएं, अपने अपने घर में पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपके भाई, आपके बहन, आपके जो भी अगल बगल के लोग हैं वो भी देखेंगे और उनके अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति जगेगी। उसके बाद और दूसरे गाँव में इसको खोलने का प्रयास किया गया और वहाँ पर अभी धीरे धीरे चल रहा है। जहाँ जहाँ नए चलते हैं जी, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आपने तो बहुत सही बात किया कि जिस आदत डाल लेने के बाद और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी समझ जाएंगे कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा ये रोल है कि सेल्फ स्टडी ना करके प्राइवेट ट्यूटर या फिर ट्यूशन इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, सबसे बड़ी दिक्कत आजकल यही आ गई है कि खुद कुछ काम नहीं करना है। जी। अगर बच्चों से कुछ काम करवाना है तो उसके पीछे होर लगी है ना। हाँ। कि बेस्ट एंड बेटर का होर लगी है। हाँ, एक दो आदमी उसके पीछे लगा देते हैं कि उससे वो काम करवा लेंगे। जी, लेकिन यह आवश्यकता हम लोगों को यह नजर आती है कि हमको खुद करना चाहिए। अगर आप बच्चों को पढ़ने बैठाते हैं और अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप अगर टीवी देखते हैं तो बच्चे भी धीरे धीरे किताब बंद कर करके टीवी देखने के लिए चले आते हैं। वो माहौल बनाना पड़ता है कि ये एजुकेशन, ये पढ़ाई की टाइम है, तो इसमें आप ना गप करें ना गेस्ट कोई आए, तो वो माहौल में कहीं ना कहीं कमी आ रही है अभी हमारे घरों में। तो इसके लिए हम लोगों को स्वाध्याय केंद्र का जो ये कंसेप्ट था ये बहुत ही अच्छा लगा। पेरेंट्स भी कुछ पढ़ सकते हैं अपने घर में। सत्यजी जी, ये तो बात हो गई स्वाध्याय केंद्र का और बहुत हो सके इसमें आप सफल भी हैं। फिलहाल में आपका किस कार्य में योगदान है? फिलहाल में एक संस्था है वो भारत में एक बहुत ही शिक्षा के शोध के विषय में कार्य करती है। बताना ये चाहता हूँ कि विभिन्न सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में क्या है कि कॉस्ट लगा करके बड़ा सा लाइब्रेरी लगा दीजिए, बड़ा सा पुस्तक मैंने प्रयोगशाला बनवा दीजिए या बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर करके बच्चों को तो पढ़वा सकते हैं। लेकिन शिक्षक ऐसा कौन सा तकनीक यूज करें जिसके माध्यम से बिना कोई खर्च किए हुए, बिना कोई आर्थिक सहभागिता इन्वेस्टमेंट के किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं? इस कार्य में मैं गाजियाबाद में कुछ दिनों तक ट्रेनिंग दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, झारखंड में दिया और बिहार में भी बहुत जगहों पर मैंने ट्रेनिंग दिया। इसमें शिक्षकों को यह प्रेरित किया जाता है कि शिक्षक का काम है नवाचारी बनना,
और विद्यालय में पढ़ाने के दौरान जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को देख करके आप यह महसूस करें कि किस तरह से बच्चों का जो लर्निंग स्टैंडर्ड है, अधिगम स्तर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, सीखने के तरीका को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो रटाने वाली पद्धति है आजकल बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि शिक्षक अगर आते भी हैं तो वो बच्चों को होमवर्क दे देते हैं, फलना पेज से इतना पेज तक आप याद करके कल लेकर के आना, तो बच्चे कहीं ना कहीं रटने के प्रवृत्ति में आदि हो जाते हैं, समझने के प्रवृत्ति से हट रहे हैं, हट जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके को बनाया गया और एक शिक्षकों का मंच बनाया गया कि शिक्षक क्या नवाचार करते हैं, वो नवाचार संस्था तक पहुंचाते हैं। पहला काम हम लोगों का होता है फील्ड में कि हम लोग स्कूल या एक संकुल में जाते हैं, शिक्षकों से उनका नवाचार को हम लोग मांगते हैं कि आप ऐसा कौन सा नवाचार अपने स्कूल में कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि अगर हम लोग रंगों का नाम को याद करना चाहते हैं तो 7 तरह के रंग होते हैं, तो किसी न किसी ने पहली बार बताया होगा कि बैनी आह पिनाला, तो मैंने बैनी आह बैगनी नीला आसमानी पीला, तो एक सूत्र उन्होंने दिया था, लेकिन किसने सूत्र दिया कोई नहीं जानता है कि सूत्र किसने दिया है। तो शिक्षक बहुत सारे नवाचार करते हैं लेकिन वो नवाचार एक विद्यालय तक सीमित रह जाते हैं। ये क्या इसको टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं? जी टर्मिनोलॉजी भी हम लोग कह सकते हैं। तो जो उस शिक्षक अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं वो या तो एक विद्यालय में रह जाता है, एक गाँव में रह जाता है, या एक जिला तक रह करके सीमित जाता है। लेकिन जो रविंद्र सोसाइटी संस्था है वह 2015 से पूरे भारतवर्ष में स्कूल में घूम घूम करके शिक्षकों को प्रेरित कर रही है कि आप अपने पाठशाला को अच्छा बनाएं और कुछ नया बच्चों को सीखने के लिए प्रवृत्त करें। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, सब टूल्स पर तो चर्चा में नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि हमारे दर्शक और हम सभी लोग कुछ इसको जाने, तो पहली उसमें टूल्स है खाली पैकेट से शिक्षा। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि कुछ करके सीखने में मजा आता है, हम लोग को भी मजा आता था करके सीखने में, तो उसमें हम लोग एक शिक्षकों को यह प्रेरणा देते हैं, कोई शिक्षक नहीं यह आइडिया दिया है कि ऐसा करना है कि बच्चों को यह बोलना है कि आप अपने घर से खाली पैकेट लेकर के आएंगे जो आप डे टू डे में यूज करते हैं। जे, जे, बच्चे क्या लेकर के आएंगे, कुरकुरे का पैकेट लेकर आएंगे, टॉफी का, बिस्किट का, या हल्दी का, या लेंगे आटा का पैकेट, या नमक का पैकेट लेकर के आएंगे। उनको कहेंगे कि आज हम लोग एक गतिविधि करेंगे, तो आप लोग जो खाली पैकेट अपने घर से लेकर के आए हैं उसको एक बॉक्स में स्कूल में कहीं ना कहीं गिरा दें। गिरा देने के बाद लंच के बाद सब बच्चों को कहेंगे कि सब एक बच्चे जगह बैठ जाओ और जो पैकेट आप लाएं उसको निकाल करके उससे आप क्या सीख सकते हो उसको बताओ। अब बच्चे जब आएंगे उनका दिमाग एकाएक खुलेगा, क्रिएटिविटी होगा और वो उसको खेल में जोड़ लेंगे जी, और उनका इंटरेस्ट भी उससे बहुत बढ़ेगा, उनसे बढ़ेगा जी, जी, और सारे बच्चे चूंकि बैठे हैं अब उनको भी ये काम करना है तो उनका दिमाग अब चलना शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि लंच तक बच्चे तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं चूंकि फ्रेश होकर के आते हैं, लेकिन लंच के बाद कुछ न कुछ बुरियत क्लास में टीचर के बीच हो जाती है और दिमाग खेलने पे बहुत ज्यादा जाता है, खेलने पे चला जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया गया कि खाली पैकेट से शिक्षा के लिए दिया, उससे बच्चे अब हिंदी से पढ़ सकते हैं, पैकेट पर क्या नाम लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, कितना कीजी है वो पढ़ सकते हैं, अब उसमें ये पूछ सकते हैं, मैथ पढ़ा सकते हैं कैसे करके बच्चों को। अच्छा चलो आपको अगर मम्मी ने 100 रुपये दिया है और आपको ये 2 पैकेट लाने कितने खर्चा आपको लगेंगे, तो बच्चे प्राइस पर दाम देंगे, उसका एक्सपायरी डेट कब होगा, कब वो एक्सपायर करेगा वो प्रोडक्ट, वो भी बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं। उसमें कितने कलर दिए हैं उस पैकेट में, उसका आकार क्या है, वो वृत्ताकार है, गोलाकार है या आयताकार है, वो बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं। एक पैकेट के माध्यम से 2 घंटी तो हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चे खुद वो बताएंगे, विभिन्न बच्चे आएंगे, किसी का पैकेट होगा, किसी का डब्बा होगा, किसी का अलग रंग है, अरे तुमने क्या लाया, तुमने क्या लाया, वो होर मची रहती है कि मैंने क्या लाया, मैंने क्या लाया, ये बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार एक है जो आपने बताया था आप ही ने, खेल खेल में शिक्षा, तो बच्चों को हम खेल में क्या सिखा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे खेल खेलते हैं जो आउटडोर खेल होते हैं, लेकिन बहुत जगह विद्यालयों में क्या है कि फील्ड नहीं है, सरकारी विद्यालय की बात करें, प्राइवेट स्कूल का बात करें, तो उनको क्लासरूम में किस तरह से हम लोग खेल करके इंगेज कर सकते हैं, या कुछ नवाचार, या कुछ हम उनको सदाचार की बातें बता सकते हैं, हम कुछ पढ़ा रहे हैं। जो पीरियड होता है ना बच्चों का, वो सबसे बेस्ट पीरियड है, जो लर्निंग फेज है, तो उस वक्त का जो सीखा हुआ होता है वो जिंदगी भर रहता है, जिंदगी भर उनके दिमाग में रहती है। तो इसमें हम एक जॉब करने के रूप में, एज ए कंसल्टेंट के रूप में काम कर, सत्यजीत जी, ग्राम विकास में युवाओं की क्या भूमिका रहनी चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है और मेरे ख्याल से मेरा यह ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किस तरह से हम लोग युवाओं को जागरूक कर सकें, क्योंकि
आजकल हम लोग जो देखते हैं, जो आजकल का समाज है, इस समाज में अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास सब कुछ है, तब आप समाज सेवा करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है और आप कहते हैं कि मैं समाज सेवा करने के लिए निकला हूँ, सेवा बहुत तरीके से हो जाती है एक्चुअली। हाँ, है तो हाँ, इसी को डिफरेंशिएट, खाना और पैसा देना इज नॉट समाज सेवा। इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, युवाओं तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि युवा जब बुजुर्ग हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे समाज में, गांव में, जिनकी उम्र 50 साल 60 साल है और वो समाज सेवी के रूप में काम करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि जब वो ताजा फूल हो, जब उनके अंदर ऊर्जा हो, जब उनके अंदर सोच हो, जब उनके अंदर जुनून हो, जब जिसे हमारे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि उन्होंने पूरे विश्व को एक कर करके, जोड़ करके और अपनी बातों को अंग्रेज के सामने रखा था। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल युवा के अंदर एक दिमाग में ये भर दिया गया कि पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, और पढ़ाई बहुत हल्की है, ऐसी कोई पढ़ाई भारी नहीं है कि वो 24 घंटा सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हैं। तो युवाओं को यह तय करना है कि मैं अपने गांव के लिए क्या कर सकता हूँ। 2015 में मुझे वह दिन याद है जब मैं इंडिया गेट देखने के लिए गया था और बहुत सारी बड़ी सी ऊंची सी एक बिल्डिंग थी, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ था। तो मेरे मन में एक बात अटैक किया कि व्हाट कैन आई डू फॉर माई विलेज, व्हाट कैन आई डू फॉर माई नेशन। उस समय मैंने एक थीम बनाया कि मैं जब अपने गाँव जाऊँगा, और दूसरी बात, इस बात को मैं रोक करके दूसरी बात पर आता हूँ कि जब लोग समाज सेवा में आते हैं तो वो सब कुछ अपना करना चाहते हैं। जैसे कि सत्यजीत सोनू कर रहा है, तो एक पहले एनजीओ बनाएगा, एक पहले वो एक ट्रस्ट बनाएगा और फिर वो कुछ करना चाहेगा। मैंने इसको सिस्टम को चेंज कर दिया कि मैं कुछ करूं या ना करूं, मैं एक मंच का नाम सिर्फ ग्रामायण दे दिया, क्योंकि लोग जोड़ते हैं कि आप पॉलिटिक्स से हैं, कि आप किस पार्टी से हैं, या कौन सा फंडिंग कहां से आ रहा है। मैंने कहा कि अगर एरोप्लेन एक बन चुका है तो आप उसको हायर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो समाज सेवा अगर आप हमको और आपको किसी को करना है, युवाओं को करना है, उसके लिए उनको एनजीओ बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान समाज में चल रहे हैं जिनके साथ आप जुड़ करके 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो आपका समय लगता है, या 1 घंटा के लिए भी जुड़ करके आप समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा में आप क्या दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं है, आप कितना प्रेम से, आप कितना दया से, आप कितना भावना से, आप किस भावना से दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इस दोनों चीज़ को मैंने अपने जीवन में बांधा कि लक्ष्य लेकर के चलना है। मैं जब अपने गाँव में आया तो एक तूफान के साथ मैं प्रवेश करना चाह रहा था। सबसे पहला मुद्दा मुझे याद है कि मैंने उठाया था कि हमारा जो कांवड़ झील है वो कांवड़ झील अच्छा बन सके। जी जी। दिल्ली से मैं आया था, सफाई और, हो सके, हाँ, उसको वो एक जीवंत हो सके और वहाँ पर कुछ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो सके। जी 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 जी। यही डाकबंगला चौराहा में एक होटल है, उस होटल में मैंने मीटिंग रखा था। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, अखबारों में विभिन्न तरह मुद्दा उठी कि कोई संस्था ऐसा करना चाह रही है। और जब मैं वहाँ पर आया, 50 लोगों का मैंने रूम, मैंने कुर्सी बुक किया था कि 50 लोग आज मेरे आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह था कि मात्र 2 व्यक्ति उस समय वहाँ पर हमारे उस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आ पाए थे। मेरा दिमाग लगा कि मैं क्या सोच करके दिल्ली से ट्रेन का टिकट कटा करके आया था कि अपने गांव में जाऊँगा, कुछ कर सकूँगा, कुछ करने का जोश था, एक जुनून था, लेकिन यहाँ पर क्या था। जब मैं अपने घर चला गया, 2 लोग आए, हम लोग चाय पिए, नाश्ता किए, सब कुछ बातें हुई, जो मेरे पास फाइल था, फोल्डर था, मैंने टी शर्ट छपवाया था, मेरे पास बैग छपवा करके हम लोग लाए थे कि एक युवाओं में जोश होगा और हम सभी लोग बेगूसराय वासी जो कांवड़ झील करते हैं वो एक मरणासन स्थिति में जा रही है, उसके लिए कुछ करेंगे। तब पता चला कि मैंने जो तथाकथित लोग हैं वो सभी एकजुट ही नहीं हैं। जो कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, उनको दिखाना है कि मैं क्या कर किया, उनको एक पूरा फाइल बनाना है, उनको एक फोटो खिंचाना है, उनको एक अपना काम करना है, उनको समाज का जो मुद्दा है उस मुद्दे से मतलब है कि हम कौन सा काम ऐसा कर सकते हैं जो मेरे से हो सकता है, और जो भारी काम है उसको कहीं ना कहीं बचा करके रखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति पैदा लेगा, कोई बाहर का आदमी आएगा, कोई विश्व के ऐसे बड़े व्यक्ति आए, बिल गेट्स आ जाएँ या स्टीव जॉब्स आ जाएंगे, उसको काम को कर देंगे, हम करना नहीं चाह रहे हैं। फिर मैंने DDC साहब सर से मिला, DM सर से मिला, मैंने फिर बहुत सारे लोगों से मिला। संयोग से जो DDC सर थे उन्होंने बताया कि नहीं, आप इसको करना सोचें अच्छा है, इसको हम मदद करेंगे। उसके बाद से उस समय देखिए, जब ये कहा गया है कि नो वन कैन स्टॉप ए पर्सन, ए सोसाइटी और आइडिया हुज टाइम्स हैज कम, तो जिस व्यक्ति का, जिस आइडिया का या जिस समाज का समय आ जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी कांवड़ झील का समय नहीं आया था, तो उस समय जो हमारे मंत्री थे, शिक्षा राज्य मंत्री थे, वो बिहार के ही थे, उनके जो असिस्टेंट थे, PA थे, वो भी बेगूसराय के थे। हमारा संपर्क उनसे बना, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ही एक बेगूसराय के हैं राजीव जी, उन्होंने उन तक लिंक बनाया। DD News के पत्रकार थे राजेश जी, उन्होंने, सब लोग उन्हें प्रयास करना शुरू किया। लेकिन
जो राजनीतिक बात था और उस समय लगा कि जो समाज सेवा है उस समाज सेवा को करने के लिए जो एक जोश युवाओं के बीच है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और वो ग्राउंड लेवल पर ही कहीं ना कहीं हो सकता है, उसके लिए हवा हवाई बातें करने से नहीं हो सकता है। तो मैंने पहल करनी पड़ती है, तो मैंने अपना रुख को मोड़ा जब DDC साहब का ट्रांसफर हो गया, वो DM बन गए, लखीसराय के DM बन गए, जब जो राज्य मंत्री थे उनके PA साहब ट्रांसफर होकर दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, तो मुझे भी लगा कि मुझे जो स्थानीय लोग हैं अगर मैं इनको जागरूक करूं, मुझे लगा कि अगर मैं स्थानीय लोगों को जागरूक करूं और युवाओं को समाज में क्या वो कर सकते हैं उसके लिए प्रेरित करूं, तो मैंने इसके लिए ग्रामायण एक नाम का मंच दे दिया। कोई राजनीतिक, कोई धार्मिक या कोई ऐसा काम उसमें नहीं मैंने करके सिर्फ शिक्षा और शिक्षा पर जोर दिया कि बेगूसराय के युवा जागेंगे। और मैंने एक स्वप्न लेकर के रखा कि वह दिन आएगा जैसे कहा गया था कि अंधेरा हटेगा और सूरज निकलेगा, तो उसी तरह से मैंने रखा कि कभी न कभी वो समय आएगा कि जब कांवड़ झील का विकास होगा। तो युवा को सबसे पहले जागरूक करना है, जागरूक करने के साथ उनको एक देनी है कि आप क्या कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसको छोटे छोटे टास्क में दे करके कभी महापुरुष की जयंती मनाने का काम उनको दे दीजिए, कभी उनको अपने गांव में सफाई का काम दे दीजिए, कभी उनको गांव में अपने सरकारी स्कूल में बच्चों से मिलने का काम दे दीजिए। तो ऐसे ऐसे काम दे करके लगभग अभी 7-8 ऐसे हमारे साथ युवा जुड़े हैं, कुछ भूतपूर्व शिक्षक जुड़े हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के रूप में कहीं ना कहीं पहले अच्छे पद पर काम करते थे। तो एक तरह से लगभग अभी 15-20 लोगों का ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन 15-20 लोगों का एक स्टार्ट तो हो गया, 15-20 लोगों का एक टीम हमारे साथ बन चुकी है और बूंद बूंद से ही घरा बढ़ेगा। अंत में सत्यजीत जी, आप इस स्टूडियो के माध्यम से बेगूसराय की जनता से क्या उम्मीद करते हैं ये आप हमें बताएं। मैं तो बहुत ही छोटा सा एक सिपाही हूँ, मैं उम्मीद ये करना चाहता हूँ कि हमारे और आपके जो भी अभी दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं उनके समय का इतिहास हमारे और आपके द्वारा किए गए कामों से लिखा जाएगा। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे कवि आए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष आए जिन्होंने अपने काम को कर करके और इस संसार में अपनी एक पहचान को बनाई। तो हम सब लोग भी उठें और एक ऐसा काम करें, एक ऐसा काम को चुने, एक ऐसे समाज के मुद्दे को उठाएं और उसके पीछे कम से कम 4-5 साल एक लक्ष्य लेकर के चलें कि जब तक वो सफल नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है कि बी द एक्सेप्शन एंड ब्रेक द एक्सपेक्टेशन, तो कुछ अलग बनना होगा जी। समाज में जो भेड़ चाल में चल रहा है उसको छोड़ना होगा और अपनी एक लीक बनानी होगी, क्योंकि कहा गया है कि यह राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पर मिलते हैं और लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। तो जो युवा या जो व्यक्ति इसमें इस फील्ड में आएंगे उनको ये नहीं समझना है कि मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे मंच मिलेगा और मुझे फूल मालाओं का स्वागत मिलेगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए थे, बहुत सारे ऐसे मेरे भी मित्र थे जो समाज सेवा में आए, 1-2 साल रहे और उनको दुत्कार और उनको अपमान भी सह करके और आज वो घर में बैठे हैं और उनके पास जीविका कोई साधन भी नहीं है। तो पहले खुद अच्छा बनिए, अपने पास कुछ एक फंड एकत्र कीजिए, मांगने से कुछ नहीं होता है, मांगने वाला क्या होगा, वो आपको 100, 50, 2000, 50,000 दे सकता है, लेकिन अगर आपके पास आत्मबल होगा, अगर आपके पास अपनी क्षमता होगी तो हम और आप मिलकर के इस बेगूसराय की, मैं कहता हूँ कि हर एक गांव की तकदीर हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि आप हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो वही गाँव के व्यक्ति वहाँ पर बाहर में मिलते हैं, जाते साथ पड़ जाता है कि कहाँ से आप हैं, तो मैं फलना गांव से हूँ, आप कहाँ से, मैं फलना गांव से हूँ। शहर वाले भी मिलते हैं लेकिन अधिकांश संख्या गांव वालों के पास ही है। तो अगर गांव के व्यक्ति अपने गांव को बदलने का जोश उठा लें और अपने गांव को तीर्थ बनाने का सपना सोच लें मन में कि मैं ये कर सकता हूँ, तो एक छोटी सी कविता से हम अपनी बातों को विराम देंगे कि फिर से अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे, फिर से अपने गांव को हम स्वर्ग बनाएंगे और जन जन के अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। अगर प्रत्येक मनुष्य के अंदर हम लोग एक ऐसी भावना पैदा करें कि आप एक देवता के समान हैं, यू आर द गॉड, और तो उस व्यक्ति के अंदर एक अच्छी भावना आएगी, उसके अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो कुप्रवृत्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं कम होगी। और चूंकि एक उसको एक अच्छा स्थान हम लोग देकर के समाज में रखे हैं तो एक समाज अच्छा बनेगा। और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि हमारे युवा हमसे नहीं जुड़े लेकिन वो अपने गांव में अपने से जुड़ करके खुद के मन की बात को सुन करके और खुद के कदम पर चलेंगे तो यह दिन दूर नहीं है जबकि हमारा गांव अच्छा बनेगा और जिला का नाम तो देश और विश्व में है ही और भी ऊंचा नाम इसका होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।